إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار मोहतरम भाइयों, उलूमुल कुरान या उसूल तफसीर कुरान के उलूम के ताल्लुक से जो दर्स आपके सामने ये चल रहा है, उसमें बात पिछले हफ्ते यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कुरान को एक जगह लिख करके जमा करने का और सरकारी तौर पर गवर्नमेंट के लेवल पे उसे महफूज रखने का, उसको एक जगह पर लिख करके रखने का ये सिलसिला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में शुरू हुआ, जिसकी शक्ल ये हुई थी कि जंग यमामा में जब 70 से ज़ायद सहाबा या 70 सहाबा, जिन सहाबा के बारे में कहा जाता है कि ये हुफाज़े कुरान थे या कुरान के पढ़ने वाले, कुरान तो सभी पढ़ते थे लेकिन ये ख़ास तरीके से कुरान के हाफिज़ सहाबा थे, अचानक उन सब की एक ही मर्तबा में जब शहादत हो गई तो ये बात लोगों के जहन में आई, और जिसमें सबसे पहले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि अगर ऐसे ही वो सहाबा जो कुरान के हाफिज़ हैं उनकी शहादत होती गई या उनकी वफ़ात हो गई तो आखिर क्या शक्ल होगी कि कुरान हमारे पास पूरी शक्ल में महफूज रहे। तो उसके लिए क्यों ना हम सरकारी तौर पर उसका कोई इंतज़ाम कर लें कि कुरान बाकायदा हमारे पास हुकूमत के यहाँ महफूज रहे एक मुसहफ की शक्ल में, कि कोई भी कुरान ला कर के पेश करे कि हाँ ये कुरान है तो हम देख सकें कि हाँ वाकई ये कुरान है या नहीं है। ये शक्ल सोची गई तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात अपने साथी या अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रखी। शुरू में वो उसके लिए तैयार नहीं थे लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद उनको जब बात समझ में आ गई तो वो तैयार हो गए। उसके बाद ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसके लिए इंतखाब किया गया कि ये काम अंजाम देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये वही लिखते थे, वही के कातिब थे, नौजवान आदमी थे और बड़े चालाक थे, होशियार थे और काम करने की लगन और शौक़ भी उनके पास, कुरान से उनका गहरा ताल्लुक़ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही जाहिर था, तो उनका इंतखाब किया गया। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शुरू में उसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे लेकिन जब उनके ऊपर भी काफ़ी फोर्स डाला गया, काफ़ी उन पर दबाव डाला गया तो वो इस काम के लिए तैयार हुए और इन्होंने इस काम को इतनी ज़िम्मेदारी से लिया कि महसूस कर रहे थे उसके ज़िम्मेदारी को कि ये ज़िम्मेदारी उस जिम्मेदारी से कम नहीं है जो किसी एक पहाड़ को उसकी जगह से दूसरी जगह करने की जो जिम्मेदारी हो सकती है, जितना मुश्किल काम वो हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी और मुश्किल का काम ये है। फिर भी उन्होंने ये काम अंजाम दिया और सहाबा इकराम जिनके पास कुरान की आयतें लिखी हुई थी, कुरान की सूरतें लिखी हुई थी, उन सब से उसे तलब किया गया और उन्हीं से जमा किया है ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने।
और कभी तो सिर्फ उसको लेकर के जो कि उनके पास रहा है, खुद इनके पास भी लिखा हुआ था कुरान मौजूद, दूसरों के पास से भी लिया और इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जो कुरान जहन में महफूज था उसके साथ भी मुकाबला करके, यानी दोनों को देख करके कि बिल्कुल सही है, इन्होंने कुरान के जमा करने का काम किया था। बाज़ रिवायतों में इसके ताल्लुक से ये बात आती है कि वो उनको ये कहा गया था कि तुम कोई भी आयत ना लिखो जब तक के उसके दो शाहिद मौजूद ना हो, कोई आयत ना लिखो जब तक के दो शाहिद मौजूद ना हो। दो शाहिद का मतलब दो विटनेस जो है, दो गवाह, तब तक तुम कोई आयत ना लिखो। बाज़ रिवायतों में इस तरह का तस्करा है। उसके बारे में बाज़ जो है अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि दो शाहिद से मुराद एक शाहिद जो उसको याद किए हुए, यानी हिफ्ज जो सीनों में महफूज है, उसके लिहाज से एक आदमी होना ज़रूरी नहीं है, एक जमात भी हो सकती है लेकिन वो सीने में भी महफूज हो और लिखा हुआ भी। तो दो शाहिद से मुराद, दो विटनेस से मुराद कि कुरान की आयत जो सीने पे महफूज भी है और लिखी हुई भी है, जब तक ये चीज़ तुम्हें ना हो तब तक जो है तुम कोई आयत ना लिखो। और पूरा इत्मीनान करने के लिए ये बात उनसे कही गई थी। दो शाहिद से मुराद ये नहीं है कि दो आदमी गवाही दें कि हाँ ये कुरान की आयत है, क्योंकि जिन सहाबा को कुरान याद था उनकी कसीर तादाद थी, बड़ी तादाद थी उनकी, दो आदमी के जो है गवाही देने का कोई ऐसा मामला उसके अंदर नहीं था। तो ये दो गवाही की बात लोगों ने, बाज़ लोगों ने ये बात बयान की है कि दो गवाही से मुराद एक याद सीने में याद हो उसके लिहाज से भी, और लिखा हुआ वो कुरान हो उसके लिहाज से भी। जब तक ये चीज़ ना हो तब तक उसको कुरान में शामिल ना किया जाए, इसकी पूरी एहतियात किया जाए, कोई भी ला करके पेश करे तो दोनों को सामने रख करके उसको लिखा जाए। इसी सिलसिले की एक रिवायत, सही रिवायत ये है कि कहते हैं जैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो कि मैंने खुज़ैमा बिन साबित के पास सूरह तौबा की आखिरी आयतें पाईं। सब लिख रहे थे हम, और हमको जो सूरह तौबा की आखिरी आयत मिली, ये कहाँ मिली? खुज़ैमा बिन साबित मशहूर सहाबी हैं, सूरह तौबा की आखिरी आयत अबू खुज़ैमा अंसारी, ये उनके पास मिली थी। अबू खुज़ैमा अंसारी ये सहाबी का नाम है, अबू खुज़ैमा अंसारी, उनके पास सूरह तौबा की आखिरी आयतें मिली। ये बात ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने बयान की। इससे कभी कभी बाद लोगों को शुबहा होता है या कोई शक दिल में आ सकता है, उसकी वजाहत के लिए मैं ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसकी, जो है कि कोई ये ना समझे कि ये आयत सिर्फ उन्हीं के पास थी। तो कुरान के बारे में ये कहते हैं कुरान पूरा तवातुर के साथ, तवातुर का मतलब क्या होता है, इतनी बड़ी तादाद जिनका झूठ पर इत्तेफाक करना मुमकिन नहीं है, उनके साथ ये पूरा कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के आज इस ज़माने तक हम तक जो है पहुंचा हुआ है, तवातुर के साथ पहुंचा हुआ है। और ये आ रहा है इस हदीस में कि वो किसके पास पाए, अबू खुज़ैमा अंसारी जो मशहूर सहाबी हैं, सूरह तौबा की आखिरी आयतें उनके पास मिले। तो ये बात जो कही गई है लिखने के लिहाज से कही गई है। दो विटनेस की जो बात अभी आई थी, दो शाहिद की, एक क्या है लिखना और एक याद होना, ये लिखने के लिहाज से बात कही गई, वरना याद होने के लिहाज से तो बहुत सारे सहाबा थे जिनको वो आयत याद थी, बहुत सारे सहाबा थे उनको वो आयत याद थी, लेकिन दोनों देखा जाता, याद भी करना भी और कुरान जो लिखा हुआ था वो भी, दोनों देखा जाता था। तो सूरह तौबा की आखिरी आयतें किनके पास लिखी हुई मिली थी, अबू खुज़ैमा अंसारी के पास मिली हुई थी। तो कभी किसी को इस हदीस की वजह से, ये सही हदीस है, एक वो खुद कहते हैं जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु कि मुझे सूरह तौबा की आखिरी आयत किसके पास मिली,
अबू खुज़ैमा अंसारी के पास मिले, तो उस रिवायत को सुन करके कभी दिल में कोई शक की बात, शुभे की बात ना आ जाए, इसलिए मैंने ये आपके सामने पॉइंट को वादे कर दिया कि इससे मुराद सिर्फ लिखना है मुराद, लेकिन दूसरा विटनेस भी जरूरी होता था उसको लिखने के लिए। वो क्या है? वो सीने पे महफूज रहना, और बेशुमार सहाबा को ये हदीसें, ये आयतें जो है याद थी, इस तरह से उसे कुरान में शामिल किया गया। ये अबू बकर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में कुरान को एक जगह जमा करने की शक्ल थी। तो कुरान को जमा करने की तीन शक्लें हैं। पहली शक्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई, और दूसरी शक्ल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में हुई, और तीसरी शक्ल उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में हुई, जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि उनके दौर में क्या शक्ल हुई थी। लेकिन उससे पहले इन दो को समझना अच्छी तरह से ज़रूरी है। पहली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिसकी शक्ल क्या थी? सीनों में महफूज, और उसको लिखा गया था बाकायदा। कुरान की ये आयतें लिखी भी थी और सीनों में महफूज थी। सीनों में उनकी हिफाजत ये ज्यादा थी और लिखने का रिवाज कम था, लेकिन पूरा कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लिखा हुआ मौजूद था, किसी एक जगह पर नहीं, लेकिन मुख्तलिफ सहाबा के पास मुख्तलिफ जो है वो इससे कुरान के लिखे हुए थे। बाद सहाबा ऐसे भी थे कि जिनके पास कुरान पूरा या कुरान का अक्सर हिस्सा भी लिखा हुआ रखा था, लेकिन एक जगह नहीं था, एक जगह नहीं था। जैसे अब ये किताब की शक्ल में, मुसहफ की शक्ल में है, वैसे एक जगह नहीं था, बल्कि लिखा हुआ था किसी पेपर में, या कहिए उस ज़माने में जिस चीज़ों पर लिखते थे पत्ते वगैरह, तो किसी पत्ते पर कोई सूरह लिखी हुई है, किसी और पर कोई सूरह लिखी हुई है, इस तरह से लिखा हुआ मौजूद था। पूरा कुरान भी लिखा हुआ मौजूद था बस सहाबा के पास, लेकिन ऐसे मुसहफ की शक्ल में नहीं था। तो मुसहफ की शक्ल में कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद नहीं था, ये अपनी जगह पर मुसल्लम है। और मुसहफ की शक्ल में सबसे पहले कुरान के जमा करने की सूरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो के दौर में पेश आई। और ये भी जो लिखा गया था, चूंकि उस ज़माने में प्रिंटिंग का मसला नहीं था, इसलिए ये भी लिख करके उसके बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी उसकी कापियां लोगों को दी गई थी, ऐसा भी कोई मामला नहीं था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में। इस नुक्ते को भी समझना जरूरी होता है, यानी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में भी जैसे आज हमारे हाथों में मुसहफ है, वैसे आम लोगों के हाथों में मुसहफ नहीं था, लेकिन लिख करके एक जगह जमा कर दिया गया था, जो सरकारी तौर पर या गवर्नमेंट के लेवल पर कह लीजिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एज ए खलीफा, खलीफा की हैसियत से उनके पास वो महफूज था। फिर उनकी वफात के बाद ये कुरान उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया, ताकि कभी कोई बात कुरान के बारे में आ जाए तो ये कहा जा सके कि देखो ये कुरान पूरे तरीके से लिखा हुआ एक जगह पे मौजूद है। अगर कोई दावा कर ले कि नहीं ये भी कुरान की आयत है, तो उसको दिखाया जा सकता है कि देखो जो कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नाजिल हुआ है पूरा कुरान ये है, अब मैच करके देख लो, अगर इससे मिलता है तो ठीक है, नहीं तो वो कुरान का हिस्सा नहीं हो सकता। हदीसों में जैसे सिलसिला शुरू हुआ था, तकरीबन ये सिलसिला पहली सदी हिजरी, जो फर्स्ट सेंचुरी आप कह सकते हैं, कि उसकी लास्ट में ये शुरू हुआ था कि हदीसें कुछ गढ़ करके अपनी तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके लोगों ने पेश करना शुरू कर दिया था। कुरान के ताल्लुक से भी ऐसी चीज़ हो सकती थी, कभी भी कोई चीज़ पेश आ जाए, कभी भी कोई दावा करे, ठीक है आप उसको साबित कर दें हर लिहाज से कि नहीं ये गलत है, फिर भी लोगों के से दिलों में क्या बात रहती है, हाँ इसमें जो है वो चूंकि हमने पेश किया ना, इसीलिए उसे कबूल नहीं किया।
ऐसा है ना, इसलिए ऐसा, इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं, इस तरह की बातें जहनों में आती रहती है। अगर किसी के जहन में खुद से ना आए तो शैतान दाखिल करता रहता है ऐसी बात। तो ऐसा कोई मौका नहीं दिया गया कुरान के ताल्लुक से कि किसी के सीने या दिल में कुरान के ताल्लुक से कोई बात ऐसी पेश कर सके, कोई ऐसी बात लेकर के आ सके। इस तरह से उसे महफूज कर लिया गया अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और अगरचे की प्रिंटिंग का दौर नहीं था लेकिन इस तरह से उसे महफूज करके रखा गया। अब एक दूसरा मसला उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पेश आया। उस मसले को समझने के लिए कुरान के ताल्लुक से एक इस्तिलाह है, एक टेक्निकल वर्ड है, उसको समझना ज़रूरी है। वो ये है, हम कहते हैं कुरान की किरातें। कभी आप ये लफ्ज़ सुनते रहते हैं कि 7 किरातें और 10 किरातें भी हैं, कुरान की 7 किरातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात कही है कि कुरान को 7 हर्फ पे नाजिल किया गया है। उन्ज़िलल कुरान वाला सबत अहरुफ, 7 हर्फ पे। मैं वो हदीस अभी उसकी शरह नहीं करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक अलग मौका उसके लिए आएगा तो इंशाअल्लाह उसकी बात जो है रखी जाएगी, इसलिए मैं वो हदीस लिख नहीं रहा हूँ, अभी उसके जहन में ना पढ़ें। बस ये कि कुरान की किरातें हैं, वो किरातें मुतवातुर के साथ 7 भी और 10 भी कही जाती हैं, वो साबित हैं। वो सिर्फ मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कुरान पढ़ने के लिहाज से अलग अलग लहजे थे उस ज़माने में अरबों के, उसको जो है पढ़ने के लिहाज से, तो उसी के लफ्ज़ को कोई इस तरीके से पढ़ता था, कोई इस तरीके से पढ़ता था, पढ़ने के तरीक़े थे। ज़बानों में ऐसा होता है। आप ये जो है, अभी एक जगह पे मैं किसी अरबी की क्लास में था तो वहाँ एक साहब ने बताया उस ज़बानों में कुछ इस तरह के फ़र्क होते हैं। अरब लोग जब हलो बोलते हैं तो हलो नहीं बोलते, आलो बोलते हैं, आलो आलो, तो ऐसे बोलेंगे वो अरब लोग। तो वो लफ्ज़ वही आया था, तो उन्होंने बताया कि फ्रांसीसी लफ्ज़ में असल में वैसे ही बोलते हैं, यानी एच के बोलने का तरीक़ा उनके यहाँ ऐसे ही होता है। वो इंग्लिश वाले जो है एच बोलते हैं लेकिन वो क्या बोलते हैं, बोलते हैं उसकी जगह पर। तो हलो जो आप लिखते हैं एच के साथ, वो फ्रांसीसी वाले बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, आलो बोलते हैं। तो उसी लिहाज से अरबों के, चूँकि वो फ्रांस का ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है तो फ्रांस की हुकूमत अरब ममालिक में बहुत सारे मुल्कों पर रही है, तो फ्रांसीसी ज़बान का कहीं ना कहीं असर उनके उस पर आया हुआ है। तो वो भी आलो आलो बोलते रहते हैं, वो हलो की जगह पर आलो बोलते हैं। तो बहुत सारे अल्फाज जो इंग्लिश के रहते हैं वो उनके लिहाज से वो बोलते रहते हैं। तो ये बोलने का है, लफ्ज़ वही है, बोलने का तरीक़ा होता है। एक दूसरी मिसाल मैं आपको दूँ, इंग्लिश ही का ले लीजिए क्योंकि समझने के लिए वही मिसालें बेहतर हैं आपको। यहाँ पर लोग जी हैच बोलते हैं, एच, और हम लोगों की तरफ लोग क्या बोलते हैं, उसे एच बोलते हैं, एच और एच, लफ्ज़ वही होता है, ये बोलने का थोड़ा फर्क आता है, इस तरह से बोलते हैं लोग जो है। और टीचर पढ़ाता भी है तो वैसे ही पढ़ाता है, यानी ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाने वाला भी वैसे ही पढ़ाता है तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, तो वहाँ वैसे ही अंदाज होता है पढ़ने का। ऐसे ही काफ है, काफ, काफ को बाज लोग खा खा की तरह पढ़ते हैं, बिल्कुल जी। तो उसी लिहाज से अरकम नाम अगर है तो अरकम बोलते हैं, तो स्पेलिंग जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ARKHAM लिख देते हैं बजाय क्यों लिखने के। तो ये चीज़ होती है ज़बानों में, लहजे के लिहाज से कभी फ़र्क आ जाता है। तो अंग्रेज़ लोग भी जो इंग्लिश बोलते हैं तो मुल्कों के लिहाज से कभी थोड़ा थोड़ा उनके बोलने में भी फ़र्क आता है। तो अरब लोग जो अरबी बोलते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उसमें भी कबीलों, कुरैश कबीला एक है, दूसरे कबीले हैं, तो उनके जो ज़बान में बोलने में बाज़ अल्फाज में थोड़ा फ़र्क आता था, तो उसी के लिहाज से उनकी आसानी के लिए कुरान को उसी लिहाज से रखा गया है कि वो अपनी लहजे के लिहाज से कुरान को पढ़ सकते हैं। ये उसकी किरातें कहलाती हैं कुरान के। उसकी एक मिसाल लीजिए तो उसे समझ में बात आपको आएगी। हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। बाज़किरातों में इसी को मालिकी यौमिद्दीन की जगह पर मालिकी यौमिद्दीन पढ़ा जाता है। मालिकी यौमिद्दीन की जगह पर
मालिकी यौमिद्दीन, यानी मीम पर अलिफ नहीं होता है, मालिकी यौमिद्दीन, ये भी कुरान की किरात है। जैसे मालिकी यौमिद्दीन है वैसे ही मालिकी यौमिद्दीन है। अब थोड़ी देर के लिए आप फर्ज कर लीजिए कि हमने किसी को सिखाया, नया नया मुसलमान हुआ कोई और हमने उसको सिखाया, तो कुरान को पढ़ने का जो हमारा लहजा है उसी लिहाज से हम उसको सिखाएंगे। तो हमने उसको सिखाया मालिकी यौमिद्दीन, क्योंकि हम ऐसे ही पढ़ते। अब उसने सीखा है मालिकी यौमिद्दीन, जिस बच्चे ने मालिकी यौमिद्दीन सीखा है और उसे पढ़ा है, उसके सामने अगर कोई पढ़ दे मालिकी यौमिद्दीन तो कहेगा गलत पढ़ रहे हो। लाजमी बहुत बात है ये कि वो कहेगा कि गलत पढ़ रहे हो, मालिकी यौमिद्दीन नहीं है बल्कि क्या है, मालिकी यौमिद्दीन है। ये मसला उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में पेश आया। मदीने में ये शक्ल उतनी नहीं पेश आई थी, और अल्लाह के रसूल सल्लम के ज़माने में बाज़ मरतब बाज़ सहाबा के दरमियान ये हुआ कि एक सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लम ने जैसे कुरान पढ़ाया था किसी और को सुना तो दूसरे तरह से पढ़ रहा था, तो गुस्सा हो गए जब अल्लाह के रसूल सल्लम के सामने ये बातें, तो आपने कहा कि नहीं ये भी सही है और ये भी सही है, कुरान ऐसे ही नाजिल किया गया है, इसमें आप लोग परेशान ना हो। तो मदीने के लोग इस बात को समझते थे। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लम की वफ़ात हो गई, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो इर्तिदाद की जंग हुई, लोगों के इस्लाम छोड़ने और उनसे मुकाबला और जंग का जो मामला हुआ, उनका 2.5 साल गुजर गया। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत काफ़ी दूर तक फैलने लगे। इराक़ वगैरह के जो इलाके हैं, ये इलाके उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस्लामी हुकूमत में आ गए थे। तो नई नई जगहों पर जो इस्लाम फैला, इस्लाम की फतूहात हुई, तो हर जगह पर सारे सहाबा नहीं जा सकते थे, तो इन नई नई जगहों पर बाज़ सहाबा गए, उन्होंने वहाँ के लोगों को दीन सिखाया, इस्लाम सिखाया, इस तरह से सहाबा भी फैले। तो एक जगह पर एक सहाबी गए तो उन्होंने कुरान की जो किरात अल्लाह के रसूल सल्लम से या आपके सहाबा से सीखी थी उसी लिहाज से कुरान उनको पढ़ाना शुरू किया। जैसे अभी मैंने कहा मालिकी यौमिद्दीन सीखा था तो क्या पढ़ाया, मालिकी यौमिद्दीन पढ़ाया। किसी और सहाबी ने उसे मालिकी यौमिद्दीन पढ़ा था, वो किसी और इलाके में गए तो वहाँ उन्होंने वहाँ के लोगों को क्या सिखाया, मालिकी यौमिद्दीन सिखाया। और ये सब नए नए जो इलाके होते थे, नए नए मुसलमान होते थे। अब जो आदमी जानता है कि ये मालिकी यौमिद्दीन है, कभी किसी की ज़बान से सुने मालिकी यौमिद्दीन तो कहेगा गलत पढ़ रहे हो, वो भी इसको कहेगा तुम गलत पढ़ रहे हो, मैं सही हूँ बिल्कुल। आपस में इख्तिलाफ हो जाना ये एक फितरी बात है इंसान होने के लिहाज से, अपने दीन को पकड़े रहने के लिहाज से, मजबूती से थामे रहने के लिहाज से ये इख्तिलाफ होना यकीनी बात है कि तुम कुरान गलत पढ़ रहे हो, मुझको ऐसे पढ़ाया गया है मालिकी यौमिद्दीन। वो कहेगा नहीं मालिकी यौमिद्दीन यही सही है। इस तरह के वाकयात जो नए नए इलाके उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी फतह हुए थे और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी शुरू में नए इलाके जो फतह हुए और वहाँ इस्लाम गया, सहाबा लोगों को इस्लाम सिखाते थे, तो वहाँ इस तरह के इख्तलाफात शुरू हो गए। कुरान अन्हु के दौर का कुरान अभी भी बाज़ जगहों पर ऐसे ही महफूज रखा गया है। जी हाँ जी हाँ, वो जो है ये है बहुत सारी लाइब्रेरियों में जो ये है वो उसको रखा गया, लेकिन अपनी जगह पर जो भी हो अभी हमारे पास जो प्रिंट कुरान है ये भी उसी स्टाइल में बाकी रखा गया, अभी उसको तब्दील नहीं किया गया उस ज़माने से लेकर आज तक, उसको वैसे ही, क्योंकि हर ज़माने में मैंने आपसे कहा कि जो भी जईद उलमा थे उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि इसमें कोई तब्दीली की जाए, तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं रखी और उसको वैसे ही बाकी रखा गया, और अल्लाह का फ़ज़्लो करम है कि आज तक ये वैसे ही बाकी है। और मुख्तलिफ मुल्क के लोग मुख्तलिफ इलाकों में कुरान की जो अलग अलग किरात है वो अलग अलग किरातें पढ़ते हैं, लेकिन मुसहफ़ सबके पास एक ही होता है।
वही मुसहफ सबके पास है, लेकिन किरातें लोगों की अलग अलग हैं। अभी जो हम किरात पढ़ते हैं ये आगे इंशाअल्लाह बात आपके सामने आएगी, जब मैंने कहा था कि वो 7 किरातें और 10 किरातों की जब बहस आएगी तो इंशाअल्लाह वो बात आएगी। लेकिन उससे पहले ये बात जहन में सिर्फ रखिए कि हम जो पढ़ते हैं इसको हफ्स की किरात कहा जाता है। ये पूरा इलाका सऊदी तक, ये पूरा इलाका कौन सी किरात पढ़ता है? हफ्स की किरात। लेकिन अब जब अफ्रीका की तरफ चले जाएंगे, बरेआज़म पूरा एक अफ्रीका जो है, तो वहाँ दूसरे जो है कारी की किरात होती है। वहाँ अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे और कुरान सुनेंगे तो हो सकता है कि सूरह फातिहा में ही पहले आपको मसला हो कि वो गलत पढ़ रहा है। मलिक यौमिद्दीन जब पढ़ सुनेंगे आप तो नमाज में ही मालूम रहता है। मदीने में जामिया इस्लामिया में नमाज पढ़ते हुए फजर की कभी कभी ये मसला आता था कि वो किस मुल्क का है पढ़ाने वाला इमाम, उसके लिहाज से किरात बदल जाते थे। इस इलाके का कोई भी है तो हफ्स की किरात पढ़ेगा। अफ्रीका जो वो ममालिक है, अफ्रीकी ममालिक, वहाँ से कोई अगर कारी है वो पढ़ने वाला तो वो अपनी किरात पढ़ता था, जो तो वो मालूम हो जाता है कि 7 किरातें हैं उसके लिहाज से ही है। लेकिन ये 7 किरातें हर जगह पढ़ाई जाती हैं। यहाँ हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ ये 7 किरातें पढ़ाई जाती हैं, और कुरान के हाफिज 7 किरातों के लिहाज से भी होते हैं। तो जो लोग पढ़े हुए होते हैं वो जानते हैं कि हाँ ये दूसरी किरात है और वही कुरान है, कुरान ही पढ़ रहा है, दूसरी एक किरात है उसके लिहाज से ये पढ़ रहा है। उस तरह से उस ज़माने में जो ये चीज़ मशहूर जो है महफूज कर दी गई तो आज तक वो महफूज है, और लोगों में इसको लेकर के किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं पाया जाता है। तो ये इख्तिलाफ हो सकता था लोगों के दरमियान। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बाद सहाबा ने जो इसे महसूस किया तो उसको इस तरह से महफूज करके इस इख्तिलाफ की गुंजाइश को ख़त्म कर दिया गया। अभी मुसहफ वही रहता है हर एक के पास, सिर्फ किरातें बदलती हैं, लेकिन उस मुसहफ में जो किरातें कुरान की हैं उन्हीं को पढ़ने की गुंजाइश रखी गई है बस। तो हर किरात वाला उसमें कुरान में पढ़ सकता है। उसके अलावा कोई लेकर के एक चीज आए कि नहीं ये भी है तो उसको आसानी से रद्द कर सकते हैं कि ये गलत है, ये सही नहीं है। तो किरात के सही होने की एक शर्त यह है, अभी जो किरात की जब बहस आएगी, शर्त यह है कि उसको रस्म उस्मानी के मुताबिक होना जरूरी है। उसके खिलाफ अगर कोई लेकर के आ जाए और बोले कि नहीं ऐसी भी किरात है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा कि ये किरात हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये सारी चीज़ें महफूज कर दी गई थी। अब इसके खिलाफ कोई चीज़ आएगी तो साफ रद्द कर देंगे कि ये साबित नहीं है। जी बोलिए। हाँ, जो जमा था उसी के लिहाज से उसको एक इसमें लेकर के आ गए, अलग अलग लिहाज से जो लिखा हुआ था ना उसको ख़त्म करके एक किरात पर लिख दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा लिखा कि उसमें सारी किरातें की गुंजाइश थी। नहीं, जो था उसी पर किया, हो जो आ गया था उसी पर उन्होंने किया, यानी अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो था उसी पर उन्होंने किया, उसी के लिहाज से किया, दोबारा कलेक्ट करने का मसला नहीं था, वो तो जमा हो चुका था उसमें जो है बस। लेकिन लिखा गया है एक किरात का ख्याल करके, उसके बाद ऐसी गुंजाइश रखी गई कि उसमें दूसरी किरात वाले भी जो साबित हैं वो सब पढ़ सकते हैं उसको, उसी के लिहाज से जमा कर दिया गया। वो अपने उस पर लिहाज से लिखते थे, यहाँ तक कि जो मुसहफ़े जो अबू बकर के दौर में जो था उसमें भी उसी लिहाज से लिख दिया गया था। तो ये काम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ कि एक ख़ास स्टाइल में उसको लिख करके महफूज कर दिया जाए और उसे एक किरात पर बकिया लोग उसे पढ़ सकते हैं, जो किरात साबित है उसे पढ़ सकते हैं, उसकी गुंजाइश रखते हुए ये काम उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुआ। दूसरा काम क्या किया उन्होंने, अब ये भी हो गया और पहले वाला भी था, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो जमा हुआ था, तो जिन लोगों ने भी उस दौर में लिखा था, एक तो बाकायदा महफूज था सरकारी तौर पर, और जिन लोगों ने उसे लिखा था उन सब को जमा करा करके उन सब को जलवा दिया, आग से जो है उसे क्या किया, जला दिया उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने।
उससे हमें एक मसला भी साबित हो। बाज़ मर्तबा लोग बहुत परेशान होते हैं, उनके घरों में कुरान रहता है तो कुरान पुराना हो गया है काफ़ी, जो कुरान तो पुराना नहीं होता है, वो जो लिखा हुआ होता है उसके वर्क जो है वो जो है काफ़ी हो गया, वो फटने लगता है वर्क, तो परेशान होते हैं। तो कभी बांध करके समंदर में डाल के आओ, पानी में डाल के आओ, परेशान रहते हैं। उसका सही तरीका यही है जो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था, वो हम सब के लिए भी एक वो है दलील है कि उसको जला दिया जाए और उसकी जो राख है उसको जो है ऐसे फेंक दिया जाए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जला दिया जाए। बाद मतलब लोग जला करके उसकी राख का भी एहतराम करते हुए उसको दाम का मसला करते हैं, बस इतना ही मामला है कि उसको जला दिया जाए, वो राख हो गया तो मसला ख़त्म हो गया उसका, जो है जो भी कुरान का इस तरह से मामला पेश आता है उसको राख का फिर कोई मसला